हेलो सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं हूँ नीलांजना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त की एक अच्छी आदत है, वो अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। हम सभी का जीवन भी सिक्के की पहलू की तरह होता है ना, सिक्के के पहलू जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से विपरीत रहते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी होता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी जीतना तो कभी हारना, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना। तकलीफ तो सबसे ज़्यादा उस वक्त होता है जब हम उस पल को अपने सामने बीतते हुए देखते हैं। दुख वक्त हमें धीरे धीरे गुजरता हुआ लगता है और सुख का वक्त मानो पंख लगाकर उड़ जाता है। यही एक कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर ने कहा बीरबल से, बताओ ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आदमी खुशी भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है। तो ये तो बड़ी अजीब टाइप का क्वेश्चन था। तो बीरबल ने कहा कि यदि हम दुखी इंसान को कहेंगे कि यह दिन गुजर जाए जल्दी से, तो उस इंसान के अंदर उम्मीद जागेगी क्योंकि उसे सुख के दिन बीत जाते हैं, वैसे ही दुख के भी दिन बीत जाते हैं। इसी तरह से यदि हम सुखी इंसान से कहें कि वक्त भी या वक्त भी गुजर जाए, तो इंसान सोचकर ही दुखी हो सकता है क्या उसका सुख का वक्त गुजर जाएगा, तो दुख नहीं आएगा। दोस्तों, हमें अपने जीवन में यह सच हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त चाहे जैसा भी हो वह बीत ही जाता है। यदि आज वक्त बहुत अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, और यदि आज वक्त बुरा है तो कल बहुत अच्छा भी हो सकता है। यदि हम इसी सोच के साथ जीवन को जीते हैं ना, तो वक्त चाहे जैसा भी हो हमें परेशान नहीं कर सकता। बस हमें उस बुरे वक्त को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो चलिए, आज दोपहर का समय है और गर्मी अब आने वाली है, होली का टाइम भी आने वाला है, तो धूप भी बहुत ज़्यादा उग गया है। तो मैं कपड़े सबको सूखने के लिए डाल रही हूँ। चावल आज धोई हूँ तो उसको भी सूखने के लिए डाली हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरी दो स्टूडेंट आई है मुझसे मिलने के लिए। ये दोनों जा रही है, कहाँ जा रही है?